आई विल बी टॉकिंग अबाउट राइज एंड फॉल. अच्छा, राइज एंड फॉल की जब हम बात करते हैं तो वी नीड टू नो कि व्हाट इज वॉकिंग, हम चलते क्यों हैं. किसी को पता है? जैसे मैं यहां वॉक कर रहा हूं और आप अभी यहां वॉक करके आए हैं, व्हाट इज वॉकिंग? आगे बढ़ने के लिए. वेरी नाइस. अच्छा, मैं आपसे शेयर करूंगा. मैं एक चैनल देख रहा था टीवी पे बैठा हुआ, डिस्कवरी, बहुत ही जबरदस्त चैनल है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल है. और उसमें दे वर डिस्कसिंग और दे वर ट्राइंग टू असेस कि व्हाट इज वॉकिंग. इमेजिन करें, हम लोग और आप लोग तो चलते रहते हैं, मगर हम अपने आप से कभी ये सवाल नहीं करते यार ये है क्या सिलसिला. और वो इस बेसिक पॉइंट को लेके रिसर्च कर रहे थे, और रिसर्च बड़ी बेसिक सी थी. स्टूडियो में बुलाया उन्होंने एक एथलीट को, सही, सारी चीज़ें उन्होंने अरेंज की, एक एक्सपेरिमेंटल जगह बनाई, और उस एथलीट को उन्होंने ट्रेडमिल पे खड़ा किया और उससे कहा कि नाउ यू स्टार्ट वॉकिंग. सारे कैमरे उसके ऊपर लगे हुए हैं, हीट मैप्स लगे हुए हैं, साथ में उसको ट्रैक कर रहे हैं कि उसकी हार्ट बीट क्या चल रही है, क्या सिलसिला है, इंसान चल क्यों रहा है. बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपेरिमेंट हो रहा था और आई वॉज वॉचिंग कि मैं कहा यार ये इतना टाइम है लोगों के पास, हम तो इतना गौर ही नहीं करते इस चीज़ पे, ये तो नॉर्मल सी चीज़ हमारे लिए, हम वॉक करते हैं, हम सब वॉक करते हैं. और वो इस चीज़ को कंक्लूड करना चाह रहे थे कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम नतीजा निकालेंगे. सही. जब वो ये कर रहे थे तो मुझे कुछ अपनी भी फ्लैशबैक्स हुए कि यार यकीनन मैंने कभी गौर नहीं किया, जब मैंने पहला कदम रखा होगा तो मेरे माँ बाप कितने खुश होंगे. क्योंकि ये फीलिंग मैंने अपने बच्चे के साथ भी देखी, अपने बच्चों के साथ भी देखी, जब उन्होंने पहला कदम उठाया. और उस वक्त वो फीलिंग तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी, मगर मैंने इस चीज़ पर गौर नहीं किया हम चल क्यों रहे हैं. अच्छा, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड किया और जो कंक्लूजन थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी. और कंक्लूजन ये थी कि इंसान चलता नहीं है. हैरान कौन, साइंस से ये प्रूफ कर रहे थे कि इंसान चलता नहीं है. मेरे लिए भी शॉकिंग था थोड़ा सा. और उन्होंने कंक्लूड किया इंसान चलता नहीं है बल्कि गिरता है. हर कदम जो उठाता है वो बेसिकली गिरने के लिए उठाता है, और दूसरा कदम उसकी सपोर्ट में आ जाता है. तो बेसिकली अगर वैसे देखा जाए तो आपकी हर कदम पे मदद हो रही है कि आप गिर रहे नहीं, किसी तरीके से आपको संभाल रहा है जिसने बनाया आपको, आपको इस तरह से बनाया है कि जिसके कदम कदम पे आपकी हेल्प हो रही है. कितनी ज़बरदस्त बात है. ऑल्दो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि आप गिरते हैं, और मैंने ये भी सोचा कि यार आज से पहले मैं चल तो रहा ही नहीं था, मैं गिर ही रहा था सिर्फ. सही है. तो इसका देखा देखिए मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ की कि यार लाइफ में हम फिज़िकली भी चलते हैं, और जब हम फिज़िकली चलते हैं तो हम गिरते भी हैं, और जब हम गिरते हैं तो हमारी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आती है सामने जिसमें कि हम अपने आप को खड़ा करते हैं या कोई सपोर्ट लेते हैं. और उस मोमेंट पे हम अपने आप को इनकरेज करते हैं कि यार हमें नीचे गिरा नहीं रहना, हमें अपने आप को इस पोजीशन से वापस उठाना है. और नेचुरली हम ये करते हैं, और सबके साथ होता है. सही है. साथ में लाइफ में हम सिर्फ फिजिकल वॉक नहीं करते, मैं समझता हूँ हम इमोशनल वॉक भी करते हैं. और ये इमोशनल वॉक भी बड़ी कीमती वॉक है. और इसमें भी ऐसा होता है कि हम स्टार्ट क्रॉल से करते हैं, फिर हम वॉक करते हैं, और कभी कभार हम रनिंग भी करते हैं, और ऐसी भी स्टेज आ जाती है जहाँ पे आप फ्लाई करने लगते हैं, ऐसा लगता है मुझे. अब जब लाइफ में हम होते हैं तो क्या होता है कि बेसिकली हम लाइफ में भी इमोशनली भी डाउन होते हैं कभी कभार. कभी कभार हमें भी चैलेंजेस आते हैं, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और हम इमोशनली डाउन होते हैं. ऐसी सूरत में हम पहले तो अपने आप को थोड़ा सा इस फेलियर का जब हम सामना करते हैं, हमें लगता है यार कोई नहीं हमारे साथ, तो पहली चीज़ तो आप याद रखें कि आपके अंदर बिल्ट इन मैकेनिज्म है कि आपने अपने आप को खड़ा करना है. दूसरी चीज़, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, बड़े कीमती लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं,
ये सारे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा केयरिंग है। और जब आप इमोशनली डाउन होते हैं, क्योंकि इमोशनली जब आप डाउन होते हैं ना, किसी को नजर नहीं आ रहा होता, सिर्फ फील हो रहा होता है, और जो करीबी लोग हैं वो इस चीज को फील करके आपको इमोशनल हेल्प ऑफर करते हैं, और समटाइम्स वो आपको अपना हाथ बढ़ाते हैं ताकि आप उस पोजीशन से उठ सकें। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपकी लाइफ में लोग हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, लव वंस हो, उनका एक तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ही ज़्यादा टेक केयर करनी है कि दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। और ये भी हो सकता है लाइफ में कि रिवर्स हो जाए चीज़, कभी वो डाउन हो जाए, तो ऐसी सूरत में आपने एक्सटेंड करनी है अपनी हेल्प ताकि वो उस सिचुएशन से बाखूबी बाहर आ सके। क्योंकि लाइफ में मौके बड़े मिलते हैं लोगों को, मगर लोग उस चीज़ को यूटिलाइज बाज़ात नहीं कर पाते। तो आई वुड से कि मैं हज़रत अली का एक कॉल है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, वो कहते हैं ज़िंदगी में इंसानों से हमेशा प्यार करें और चीज़ों को इस्तेमाल करें। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ हम लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं और चीज़ों से प्यार करने लगते हैं। तो ऑलवेज जो आपके लोग इर्द गिर्द में हैं, जो आपके पोटेंशियल को देखते हैं और आपको इनकरेज करते हैं कि आप अपने पोटेंशियल को अचीव करें, तो आप भी अपनी लाइफ में ऐसे ही लोग बने कि आप दूसरे के पोटेंशियल को देखें, ना सिर्फ देखें बल्कि उनको हेल्प करें वो अपने उस पोटेंशियल को ट्रूली रीच कर सकें। इट कैन बी एनीबॉडी, इट कैन बी योर ब्रदर, कैन बी योर सिस्टर, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर जूनियर जो आपके साथ ऑफिस में काम कर रहा है। सही, अगर वो जूनियर है तो यू कैन ऑलवेज गिव हिम अ हेल्पिंग हैंड ताकि वो अपने प्रोफेशनल करियर की जो वॉक कर रहा है, ही कैन स्टार्ट रनिंग। तो दिस इज द मैसेज दैट आई वांट टू कंक्लूड माय स्पीच। थैंक यू सो मच।